हेलो गाइज, वेलकम टू सॉफ्टवेयर हब चैनल। मैं हूं देवेंद्र गुप्ता। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम अपने वेबसाइट पे मैन्युअल ऐड कैसे लगा सकते हैं। लास्ट वाले वीडियो में मैंने बताया था किस तरह से आपको सेकंड वेबसाइट के लिए अप्रूवल लेना है गूगल एडसन का, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। गाइज, मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। अगर आप मेरे वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो फिर ज्यादा देर ना करते हुए मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे लेके चलता हूं आपको और स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम अपने वेबसाइट पे मैनुअल ऐड लगाते हैं। गाइस, मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुका हूं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं मैं प्रूफ कि मेरा जो convertermastertool.com है वो अप्रूवल हो चुका है 19 जून। विद इन वन डे ये मेरा वेबसाइट पूरा अप्रूवल हो गया। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि आपका जो पेजेस है सारे अगर पेजेस रेडी रहेंगे तो गूगल बहुत ज़्यादा देर नहीं लगाता है आपको अप्रूवल देने में। कुछ रीजनों की वजह से आपका रिजेक्ट होता है, लेकिन उनको फिर से फिक्स करके आप भेज सकते हैं जिससे आपका अप्रूवल हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमारा यहाँ पे जो 18 जून को मैंने अप्लाई किया था और 19 जून को ये हमारा अप्रूवल हो चुका है 3 दिन पहले। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कि मैनुअल ऐड किस तरह से लगाना है। पिछले ही वीडियो में मैंने आपसे ऐड इंसर्टर का जो प्लगइन है उसको इंस्टॉल करा लिया था। ठीक है, उसके मदद से हम आज मैनुअल ऐड लगाएंगे। मैनुअल ऐड किस तरह से लगाना है, सिंपली आपको चले जाना है सेटिंग में। यहाँ पे ऐड इंसर्टर के सेटिंग में जाएंगे, आप यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे ब्लॉक्स हैं। हमको क्या करना है, इस ब्लॉक्स में अपना कोड है वो पेस्ट करना है। कैसे करना है, वो कोड कहाँ पर मिलेगा हमको, सिंपली चले जाएंगे हमारे गूगल एडसन के डैशबोर्ड में। यहाँ पे एडसन सेक्शन में आप बाय साइट या फिर बाय एड यूनिट, तो ये दो तरीके से हम ऐड लगा सकते हैं। एक जिसको बोलते हैं बाय साइट, मतलब ऑटो ऐड बोलते हैं, और बाय एड यूनिट इसका मतलब हम खुद से जो यूनिट्स लगाते हैं एड्स के वो। तो आज हम मैनुअल ऐड देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक क्रिएट करेंगे यहाँ पे। आप यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे एड्स मैंने ऑलरेडी क्रिएट किए हैं। ये जो एड्स हैं ये मेरे जो सॉफ्टवेयर होप वेबसाइट है उसके एड्स हैं। आप इसको भी यूज कर सकते हैं जो ऑलरेडी क्रिएटेड है, अदरवाइज आप अलग अलग वेबसाइट के लिए नया बना सकते हैं। फिलहाल तो मैं आपको एक बताने के लिए एक एड को बना लेता हूँ यहाँ पे इन एड आर्टिकल। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये किस तरह से दिख रहा है, वो प्रीव्यू दिखा रहा है। यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कौन सा होना चाहिए। यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड कलर व्हाइट दिखा रहा है, जबकि मेरा जो वेबसाइट है आपको मैं वो भी खोल के दिखा देता हूँ। जो मेरे वेबसाइट का जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक है। ठीक है, तो हमको वैसे ही ऐड लगाना है ताकि सामने वालों को लगे ना कि ये ऐड है, तो उसके वजह से क्लिक्स होंगे। ठीक है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे वापस से मैं चला जाता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे बैकग्राउंड ब्लैक कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए अभी ये ब्लैक बैकग्राउंड हो गया। ओके, यहाँ पे टेक्स्ट कैसे रहना चाहिए वो भी हम सिलेक्ट कर लेंगे, वाइट। देख हमारा जो वेबसाइट है उसका जो टेक्स्ट है वाइट है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम चूज कर लेंगे। यहाँ पे आप खुद का जो आपने जो कलर कोडिंग किया है, आपने सीएसएस दिया है इसमें, उसको आप कॉपी करके डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो भी कलर कोड मैच हो जाएगा। यहाँ पे आप एड यूनिट का नाम दे दीजिए। यहाँ पे मैं अभी कन्वर्ट मास्टर यहाँ पे देता हूँ इन आर्टिकल एड्स वन। ये मेरे समझने के लिए है, आप इस तरह से आप नाम दे सकते हैं। ये नाम इसलिए देना है कि इन केस कभी इन फ्यूचर में आपको इसका चेंज करना हुआ कुछ ओरिएंटेशन लुक वाइज या फिर यहाँ पे फॉन्ट चेंज करना हुआ तो आप यहाँ से आके इजीली डायरेक्टली आप चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आपको बहुत सारा ढूंढना पड़ेगा। इसलिए आप कभी भी कोई भी काम करें तो एक ऑर्गेनाइज वे से करें जिससे आपको इन फ्यूचर जो भी काम करेंगे वो इजी वे से हो जाना चाहिए। ये मेरा एक सजेशन था के हिसाब से आप काम कीजिए, बट याद रखिए कभी भी काम ऐसा कीजिए ताकि फ्यूचर में उस काम करने के लिए टाइम कम लगे। यहाँ पे सिंपली सेव एंड गेट कोड करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा जो स्निपेट कोड आ चुका है, कॉपी कोड स्निपेट। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, आ जाना है वापस से ब्लॉक वन में डाल देंगे और वापस यहाँ पे ब्लॉक वन के अंदर आप क्या करेंगे, यहाँ पे नाम दे देंगे इसका इन आर्टिकल एड वन, ताकि हमको याद रहना चाहिए। सिंपली इसको क्या करेंगे अभी सेव कर देंगे।
सेव कहां से करेंगे, यहां पे। और अभी हमने सेव तो कर दिया फिलहाल के लिए, लेकिन हमको करना क्या है, आप यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कहाँ पे ये ऐड दिखना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे पोस्ट में दिखाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे पोस्ट में एबल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे वो ऐड कहाँ पे दिखना चाहिए उस पोस्ट में, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन उसके लिए मैं आपको एक आइडिया देता हूँ किस तरह से आपको करना है। एक कमेंट आया था मुझे और उन्होंने कहा कि मेरा जो ऐड है पोस्ट के पैराग्राफ में, फर्स्ट पैराग्राफ में नहीं दिख रहा है। वो क्यों नहीं दिख रहा है मैं आपको वो भी बताऊंगा। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डिसेबल है, अगर डिसेबल करेंगे तो कहीं पे भी नहीं दिखेगा। बिफोर पोस्ट, यहाँ पे आप आफ्टर पैराग्राफ, बिफोर इमेज, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वो आपका पैराग्राफ है कहाँ पे, वो आपको समझने के लिए मैं आपको एक आर्टिकल मेरा ओपन है यहाँ पे, ये आर्टिकल है मेरा। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा फर्स्ट पैराग्राफ है इसके बाद आए, ठीक है। अभी ये समझना है हमको कि ये पहला पैराग्राफ ही है या फिर कुछ और है, क्योंकि ये कभी कभी हम अंदर लिखते कुछ और है और पैराग्राफ बन जाता है दूसरा कोई। तो उसको समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए एड इंसर्टर यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है। तो आपको करना है यहाँ पे सो एचटीएमएल टैग, ठीक है। इससे पता चल जाएगा कि हमारा जो एचटीएमएल टैग है वो कहाँ कहाँ पे। उसके अलावा यहाँ सो पोजिशन, इसको भी एक्टिवेट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे सो पोजिशन हमने किया तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि एड इंसर्टर क्या बोलना चाहता है, कि यहाँ पे इसको बिफोर पोस्ट बोलते हैं, इसको बिफोर कंटेंट बोलते हैं, इसको बिफोर पैराग्राफ वन बोलते हैं, इसको आफ्टर पैराग्राफ वन बोलते हैं। उसके बाद नीचे चले आएंगे बिफोर पैराग्राफ टू, जे एक क्लियरली बता रहा है कि इसको बिफोर पैराग्राफ टू बोलते हैं और इसको आफ्टर पैराग्राफ टू। इस तरह से आपको समझ लेना है। जो कमेंट था उन्होंने बोला कि बिफोर पैराग्राफ नहीं आ रहा है या फिर बिफोर आफ्टर पैराग्राफ नहीं आ रहा है, तो आपको करना क्या है यहाँ पे, बिफोर पैराग्राफ मतलब क्या है यहाँ पे है और आफ्टर पैराग्राफ मतलब यहाँ पे है। तो मुझे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एड शो हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पे सिंपली क्या करना है, बिफोर पैराग्राफ में सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद पैराग्राफ वन इस पर रहने देंगे और सेव कर देंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे सिंपली आप कोई भी पर्च टूल से आपका ये पर्च कर दीजिए, कैच रिमूव कर दीजिए। उसके बाद अभी मैं कहीं पे और पोस्ट खोलता हूँ, देखिए मैंने बिफोर आफ्टर पैराग्राफ लगाया था, अभी रिप्लेस करूंगा तो ये बिफोर पैराग्राफ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बिफोर पैराग्राफ होगा। अभी मुझे फिर से आफ्टर पैराग्राफ करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ पे आफ्टर पैराग्राफ क्लिक करेंगे, उसके बाद पैराग्राफ वन और सेव कर देंगे। जैसे आप सेव करेंगे यहाँ पे पर्च करके फिर से हम उसको रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए अभी हमारा जो एड है अब बिफोर पैराग्राफ नहीं होके आफ्टर पैराग्राफ हो गया। तो इस तरह से आपको करना है। गाइज एड अगर नहीं आ रहा है तो उसका एक ऑप्शन और है कि आपको गूगल एड्स में जाना है वापस से बैक में, यहाँ पे क्लोज कर देंगे, उसके बाद और इस पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद जिस भी वेबसाइट पे आपका एड नहीं आ रहा है, ऑटो एड्स या फिर मैनुअल एड, तो आपको करना क्या है, इसको ऑटो एड को बंद करना है और अप्लाई कर देना है, ठीक है। उसके बाद वापस से सेम इसको ही ओपन करना है, यहाँ पे वापस से एक्टिवेट करना है और अप्लाई कर देना है। एक्सट्रूड पेजेस, किसी पेजेस को एक्सट्रूड करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे सेव एंड अप्लाई, इतना ही करना है। और उसके बाद 24 आवर में आपका जो एड्स है वो चलना स्टार्ट हो जाएंगे। चलो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।